अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना लाहौरी व्लॉग्स। तो आज गाइस बहुत दिन के बाद व्लॉग लगा रही हूँ। थोड़ी सी बिजी थी, कुछ घरेलू बस मुश्किल परेशानी थी, इस वजह से व्लॉग नहीं लगाया, बट अब रोज़ रोज़ वीडियो लगाया करूँगी। तो जो लोग न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाला न्यू व्लॉग आप लोगों को मिल सके। तो आज गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा जो है बारिश में इंजॉय करूं, नहा लूं, क्योंकि इतने दिन के बाद बारिश हुई है। इतने दिन इतना गर्मी थी और हब्स थी बहुत ज़्यादा। मैं तो जैसे बारिश हुई मैं तो भागी चली गई हूँ छत पर। मैंने कहा आज बारिश जब तक रुकती नहीं है ना तब तक नहीं उतरूँगी, लेकिन बारिश तो बहुत टाइम होती रही है, पर इतना टाइम नहीं नहा सकती थी क्योंकि फिर बंदा बीमार हो जाता है ना, सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताना गाइस कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। यहाँ लाहौर में तो इतना बारिश हुई है बहुत, और मज़ीद कह रहे हैं कि अगले दस डेढ़ तक बारिश रहेगी। वॉइस ओवर इसलिए करी हूँ ऐसे वीडियो में, जो बारिश की आवाज़ आती है ना बड़ी खूबसूरत लगती है, बट वॉइस ओवर करनी पड़ी मुझे। और छत पे जब भी व्लॉग बनाती हूँ फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर बोल तो सकती नहीं हूँ, बच्चे भी शोर शराबा करते हैं बहुत ज़्यादा। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल के ऊपर ना हमने प्लेट रखी हुई थी, तो वो प्लेट का शोर बहुत आ रहा था, इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ना वॉइस ओवर कर दूँगी। और बच्चे अभी भी शोर कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं छत पे आई हुई हूँ। अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 11-12 बजे तक बहुत तेज़ बारिश हुई है। मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग बना लूँ, और इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह ये थी कि हमारे घर पे लाइट का मसला चल रहा था, 15 दिन लाइट नहीं थी। उसके बाद फिर गर्मी बहुत ही हफ्स थी, परेशान थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके। खैर गाइस बारिश देखिए, बारिश ज़ोर शोर से हुई जा रही थी, अभी हल्की हो गई थी, तो मैंने कहा मैं छत पे जाकर व्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर भी इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। तो झाड़ू उठाया मैंने, कहा झाड़ू से सारा पानी भी छत का साफ़ कर दूँ, बट जितना पानी निकाल रही थी उतना ही फिर से जमा हो रहा था, बारिश रुकी नहीं रही थी, कपड़े फुल भीग गए। बच्चे भी छत पे आके एंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने कहा मम्मा हमने भी बारिश में नहाना है। मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग भी थोड़ी देर नहा लो। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसे मौसम में, और मैं तो दुआएं मांग रही थी कि बारिश का मौसम हो और मैं नहाऊं। तो यहाँ पे मैं भी, बच्चे भी खेल रहे थे पानी में बैठ के, मेरा दिल किया मैं भी पानी में बैठ के खेलूँ, तो बचपन याद आ गया इस तरह नहाते हुए। तो अच्छा गाइस, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना, और जिससे जिसको मुझसे रब्ता करना है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया मैंने। बहुत सारे लोग कहते हैं रब्ता कैसे होगा, नंबर नहीं, कोई भी नंबर मेरा नहीं है, जस्ट इंस्टाग्राम पर रब्ता हो सकता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। तो जाके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर दें, और जिसको काम हो वो मैसेज भी कर सकते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।